तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं इसको सूप किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो हमने हरा धनिया लिया है, टमाटर लिए हैं और प्याज। और ये रही हमारी जो फिशें हैं, ये रही हैं। और यहाँ है नमक और काली मिर्च, सिर्फ हमें और कोई इसमें मसाले नहीं डालेंगे। और यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। पहले हम हल्की सी फिश को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसका सूप बनाएंगे। तो देखिए आप इस तरह से आप कम तेल में आपको फिश को बिल्कुल थोड़ी सी क्रंची करना है, हल्की सी सॉल्ट है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको तलते में थोड़ी सी हमने काली मिर्च डाली है, इसको फ्राई करते समय और सूप बनाते समय भी डालेंगे। तो इसको अच्छे से आप थोड़ी सी फ्राई करें। और जिसको भी कोविड हो जाए और होने के बाद ये सही होए, तो इसका सूप पीने से उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है और पूरे लंग्स साफ़ हो जाते हैं और काफ़ी फायदेमंद। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से 3 मग्गे पानी डालने वाले हैं। आप चाहें तो 2 भी डाल लें, 3 भी डाल लें। तो इस तरह से मैंने 3 कप डाल दिए ये मग्गे भर के पानी, और आपके ऊपर डिपेंड है, आप 2 कप 3 कप। अब उसके बाद जो मैंने फिश जो हल्की सी फ्राई करी थी, ये देखिए जो फ्राई हो गई है हमारी फिश, जो हमने इस तरह से इस फिश को इसमें डाल दिया है पानी में। के बाद हमने जो ये वेजिटेबल आपको दिखाई थी सारी, वो हम इसमें इस तरह से डालना। उसके बाद हमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, आप कम ज़्यादा खाते हो तो आप अपने हिसाब से। और यहाँ हमने काली मिर्च को डाला है, बस अब नमक। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सीटी आ रही है, प्रेशर आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको छान लिया है। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से छन गया है ये। और ये रहा हमारा 1 किलो मछली का सूप। और आप इसको चाहें तो फ्रीज में भी रख सकते हैं ठंडा होने के बाद, और जब आपको पीना हो या किसी को पिलाना हो तो आप इसको गर्म करके दें। और ये ध्यान रखें कि ये हमने आपसे जैसे गल जाए और आपसे बिल्कुल इतना महेश नहीं हो, तो फिर आप इसको मिक्सर में घुमाइए और इस तरह से आप छान लीजिए। तो ये देखिए हमारा 1 किलो बिल्कुल सूप बन के तैयार है फिश का। और ये देखिए जो फिशें मैंने आपको दिखाई थी, देखिए उनका क्या हाल हो गया है। ये इस तरह से एक पेस्ट बन गया है गाढ़ा सा। तो ये हैं वो फिशें और ये है उनका सूप। तो ये देखिए, ये हैं फिशें और ये है इनका सूप। तो ये हो गया दो मिक्स हो गए। तो चलिए अब आप लोग भी इंशाल्लाह बनाइए और हमें ज़रूर दुआओं में रखिए, और जितने भी लोग हैं घर में आप सबको पिलाइए और पिए इंजॉय करिए। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू।